हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी अ मॉम फैमिली। और आज हम बनाएंगे एप्पल बनाना एंड राइस पॉरेज, जो बेबी के लिए बहुत हेल्दी है। प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं कि एप्पल एंड बनाना की कितना इम्पॉर्टेंट है आपकी बेबी की ग्रोथ में, और ये फर्स्ट फूड में कंसीडर किया जाता है। उसी तरीके से राइस भी फर्स्ट फूड में कंसीडर किया जाता है। बहुत हेल्दी है, काफ़ी इसमें कार्बोहाइड्रेट है, वाटर है, मिनरल्स हैं, ये काफ़ी हेल्दी होते हैं आपके बेबी के लिए। आप इसको फर्स्ट फूड में बेबी को दे सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले हमने राइस को वॉश कर लिया है, एप्पल को भी वॉश कर लिया है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एप्पल को पील कट करके उसको पील करना। इसको कट कर लेंगे। हम इसको पील कर लेंगे। अब हमने जो एप्पल कट किया है और पील किया है, उसके फाइन स्लाइस कर लेंगे ताकि इजीली वो स्टीम हो जाए। उसी तरीके से हम बनाना को भी पील कर लेंगे। बनाना को भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। हमारे सारे इंग्रेडिएंट तैयार हैं, एप्पल बनाना एंड राइस। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कुकिंग प्रोसेस। में लगभग आधा ग्लास पानी ले लेंगे। इसमें राइस डाल देंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो पाए। लगभग 10 से 15 मिनट तक इसको हम कुक करेंगे ताकि राइस जो है अच्छे से पक जाए। आप चाहें तो कुकर में भी इसको पका सकते हो, आप कुक कर सकते हो। लगभग 5 मिनट में 3 विसल में आप इजीली कुक कर सकते हो। राइस लगभग हमारे तैयार हैं। अब हम इसको एप्पल को इसमें ऐड कर देंगे और इसको स्टीम कर मतलब कुक कर लेंगे लगभग 2 से 3 मिनट तक के लिए। कुकर में अगर आप बना रहे हो तो एप्पल एंड राइस दोनों को एक साथ मिक्स करके भी बना सकते हो। दोनों को एक साथ आप कुकर में ऐड कर दीजिए और 2-3 विसल लगा लीजिए, इजीली वो बन जाता है। बहुत क्विक रेसिपी है ये। इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग है, लगभग 10 मिनट में ये रेसिपी तैयार हो जाती है। नाउ हमारा राइस एंड एप्पल तैयार हो चुका है। हम इसको कुछ देर के लिए ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। सबसे पहले हम डाल लेंगे जो हमने राइस एंड एप्पल को कुक किया है, उसके बाद हम इसमें जो हमने बनाना कट करके रखे थे, पील करके रखे थे, वो ऐड कर लेंगे। तैयार है हमारे बेबी का फूड। इसको आप 6 मंथ प्लस बेबी को दे सकते हैं। अगर आपका बेबी 8 मंथ प्लस है तो प्रोटीन पाउडर पे मैंने एक वीडियो की है, उसमें 15 इंग्रेडिएंट्स है, दालें हैं, बहुत सारे लेंटिल्स हैं, वो आप अपने बेबी को अगर 8 मंथ प्लस बेबी है तो उसमें आप ये ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने एक ड्राई फ्रूट पाउडर पर वीडियो की है, आप उसे भी ऐड करके अपने बेबी को सर्व कर सकते हैं। तो ये तैयार है हमारा एप्पल बनाना एंड राइस पॉरेज। बेबी के फूड को किस तरीके से कब तक स्टोर कर सकते हैं, इस पे मैंने सेपरेट वीडियो की है। ये सिलिकॉन का कंटेनर है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं या फिर ग्लास के जार को भी यूज़ कर सकते हैं। इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो की है, आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखें ताकि उससे आपके बहुत सारे डाउट हैं वो क्लियर हो जाए।